मेरी तो ऐसे नहीं चलता है। कैसे चलता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे बोलता। खड़ा रहो, एक मिनट। वही खड़ा रहा। खड़े 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 खड़े। यस सर। हाँ, लाइट जलाओ सब लोग। नहीं तो अंदर जल गई। थोड़ा और नीचे। लाइट 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 लाइट। चल क्या हो? आइए 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 आइए। स्मार्ट आओ पीछे तो। राम भैया पहले। राम भाई बोल दो। राम भाई कौन से बीमार गया है? चलो अंदर डाल। चलो चलो अंदर चलो। भैया बैठ जाओ आगे वाले। रोहित तुम्हारे कैमरे पे तू नहीं आ रहा। अरे सामने देखिए भैया। अरे कृष्णा भैया बैठे हैं। पात्र बनाएंगे तब ना आगे हकदार रहेंगे हम। सब पिछवाए आइए ना इका रहे हैं। एक मिनट मैडम, आराम से आओ, आराम से आओ, आराम से आओ। बीमार है बेचारा। आंटी ने चेंज किया। आंटी कहां बोल रहे हो? सब बैठो ना जी। भाई कहां जा रहे हो? कहां है कोई लाइन? तुम लाइन अप करो कि डायरेक्टर लाइन अप करेगा? नाम बता दो सर। लोकेशन में उसमें बता रहा है ना भैया। हेलो आइए। कैसे लगाए हैं पूरा जो है सबका? हाउसफुल थिएटर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। तुम मसाला बनाओ बस बस आने दो। आइए आइए सर। आइए आइए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। और हेलो।
माल भरा अरे रोज अरे मार मत लगा पिए कर रहे हैं अब ये पिए क्या अब ये लगत मार रहे हैं हिला मत यार हिलाओ मत यार राम राम भाई राम भाई राम भाई राम भाई नहीं हो जाता कर दे जरा भैया ऐसा घूम जा थोड़ा भाई थोड़ा टर्न हो जाओ यस 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 प्रोफाइल अरे लाइट आवा तो हारे क्या यार थोड़ा यहाँ लो यार ये लोग दे दिया हो मैं वहां भी देखी थी मोबाइल 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 सेंटर लो बोले आवाज सुनाई दिया हम बोले आपके भी नंबर पे से कम नारियल कौन आप पढ़ेंगे आइए कनेक्ट तोड़ो तोड़ो हां रोलिंग रोलिंग रोल गणपति बप्पा मोरिया पानी नहीं है वापस मारो एक बार पानी है हाय 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 जय हो चलिए कैमरे में फेंको भाई जी नाम भी धमाकेदार है स्टोरी भी धमाकेदार है और ये भोजपुरी इतिहास को बदलने वाली पिक्चर है ये जी आप लोग क्वेश्चन करें सर किस तरह से ये स्टोरी जो है जी. दिल धक धक करे करके एक टाइटल जो है काफी अपने आप में एक अलग टाइप का लग रहा है जी. तो किस तरह से पब्लिक के गुदगुदाएगी जो टाइटल दिख रही है ये पिक्चर कॉमेडी बेस लेकर के एक रोमांटिक स्टोरी है इसलिए ये पब्लिक को गुदगुदाएगी भी रुलाएगी भी हंसाएगी भी और मारपीट भी करेगी इस फिल्म की जो शूटिंग है कहाँ करेंगे और ये स्टार कास्ट का चयन किस तरह से किया गया जी इस पिक्चर की जो शूटिंग होगी वो अपने जनपद संतकबीर नगर में मोस्टली होगी गोरखपुर में होगी कुछ मुंबई में भी होगी और भी हमारे जो साथ के लोग हैं वो और डिसाइड करेंगे कि और कहाँ कहाँ इसके लिए उपयोगी हो सकता है शूटिंग करना वो लोग भी डिसाइड करेंगे मतलब मोस्टली इन जगहों पर होगी होगी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एक्चुअली इस टेंशन भरे माहौल में हम लोगों को खुशियां बांटना चाहते हैं इस पिक्चर को एक साफ़ सुथरी पिक्चर बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे जो एक्टर हैं वो हर घरों में एंट्री कर रहे हैं अपनी उनकी एक खूबसूरती और उनकी एक जो कलाकारी है वो हर घर में हर परिवार में जुड़ रही है और इनकी एक अपने घर के लड़के की तरह छवि बनी हुई है तो उसको सोच रहे हैं हम लोग और स्ट्रांग करने के लिए कि ताकि ये घर में लोग आवें अगर ये पिक्चर देखें तो काफ़ी अच्छा महसूस करें वो किरदार क्या है सर आपका इसमें हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे बेलन बना दिया है जी कितनी बार आपका दिल धड़केगा इस फिल्म में मेरा धड़के ना धड़के मेरे हीरो का धड़कना चाहिए
जी हाँ, बहुत बार धड़का है। तो बताइए किसके लिए धड़का है? अपने माँ बाप के लिए धड़का है, अपने काम के लिए धड़का है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे धड़का है और उसको इस पिक्चर को बनाने के लिए भी धड़का है। सर आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिल्म का मुहूर्त हुआ, दिल धड़क करे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया पिक्चर, मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है। आपका किस प्रकार का सहयोग है इस फिल्म में, किस प्रकार से जुड़े हैं? मैं इस फिल्म का निर्माता हूँ, हम दोनों मिलकर निर्माता किए हैं इस फिल्म के। तो फिल्म के बारे में बताइए, कैसे स्टोरी हाथ में आई और किस तरह का ऐसा क्या खास लगा फिल्म की कहानी में कि आपने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सोचा? इस पिक्चर की कहानी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस पिक्चर की कहानी के कुछ अहम किरदार हैं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि एक प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने का अगर कोई काम किया है, हमारे अमित कश्यप जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रोड्यूसरों को प्रोड्यूस किया है। इनकी हिम्मत, इनकी मेहनत आज हम लोगों को इस मुकाम पर ले आई है। विदाउट अमित जी हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूं भाई, बस उनके लिए एक ही शब्द है, थैंक यू। उन्होंने जितना साथ दिया है इस पिक्चर को बनाने में, जितनी मेहनत हमारे डायरेक्टर साहब ने की है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना है और मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए। सर फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और कब तक रिलीज करने का प्लान है, कुछ बताइए कहाँ कहाँ शूट करने वाले? 14 जनवरी से शूट होगी खलीलाबाद में, जिला शंकर नगर में। स्टार कास्ट कौन कौन है? स्टार कास्ट कल्लू जी हैं, कन्नेश्वरी जी हैं और भी बहुत अनेक लोग हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर मिराज खान जी का, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो सर जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और दर्शकों के बीच में क्या मैसेज देने वाले फिल्म के बारे में, का नाम है जी? हाँ, वो पहले ही ये हो चुका है कि ये पिक्चर कॉमेडी बेस है, इसमें हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप एक पिक्चर में देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी पिक्चर, आप पूरे परिवार के साथ इसको देख सकते हैं। ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है कि मतलब इसमें कहीं कोई वो ना हो और एक अच्छी पिक्चर हम लोग जनता के बीच लेके आए। जी, जैसे कि फिल्मों के बनने की प्रक्रिया है, जो बन रहे हैं उससे काफ़ी अलग हट के बनने का है, तो ये किसे ख्याल है कि इस तरह से नहीं, एक्चुअली लीक से हटकर अपना शुरू से ही प्रयास रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशन दूसरा था, इस प्रोफेशन में लाने वाले अमित जी हैं, मिराज जी हैं हम लोगों को, तो उसमें प्रयास ये हो रहा है कि चूँकि एक ऐसी पिक्चर समाज में जाए कि एक अपनी प्रतिष्ठा को भी मेंटेन करती हुई जाएगी, कि इसमें कहीं कोई वल्गारिटी ना हो, कहीं कोई वो ना हो, आप अपने बच्चों के साथ, चूँकि कॉमेडी बेस है तो आप पूरे परिवार के साथ जाकर के इसको देख सकते हैं। भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति की बात की जाए, इस फिल्म के माध्यम से एक्चुअली भोजपुरी भाषा तो अपने आप में बहुत मीठी है इसकी, और हम लोगों की ये प्रारंभिक भाषा भी है। आज आधुनिकता बढ़ रही है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि अगर भोजपुरी कामयाब होगी तभी हम लोग कामयाब होंगे, और भोजपुरी को कामयाब करने के लिए जो भी कदम हो सकता है वो लोग हम लोग उठाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। इसके जो गीतकार हैं श्री ये क्या नाम, श्याम देहाती जी हैं, प्यारे लाल जी हैं और आज़ाद सिंह जी हैं, ये लोग मिल करके इसका म्यूजिक वगैरह दे रहे हैं, और उन लोगों के नाम से तो आप लोग भलीभांत परिचित होंगे। मैं उन लोगों के लिए थैंक यू बोल सकता हूँ कि भाई आप लोग ऐसा गीत इसके लिए लिखें कि एक मील का पत्थर साबित हो, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उनसे। गीत संगीत को लेकर के भोजपुरी सिनेमा को उम्मीद ज़्यादा उठाई जा रही है। जी हाँ, तो इसमें कितना ध्यान दिया जा रहा है? ये बिल्कुल इस पर सख्ती से ध्यान दिया जा रहा है कि आप उस गाने को हर जगह सुन सकें, हर जगह उसका आप किसी भी कार्यक्रम में उसको बजा सकें, अपने पूरे परिवार के साथ सुन सकें, ऐसा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मिराज खान जी फिल्म के डायरेक्टर हैं जी, एक्चुअली मिराज जी को हम गाड फादर कह सकते हैं इस इंडस्ट्री में, हम लोगों को लाने वाले ऐसे कह सकते हैं वही हैं, और उनकी जो अपनी पकड़ है हीरो के बारे में, कलाकारों के बारे में, वो बहुत ही मतलब उम्दा है। मतलब उन्होंने सेलेक्ट किया जो कलाकारों को, आज ये लग रहा है कि ये पिक्चर उन्हीं के लिए लिखी गई है। ये टोटल श्रेय मिराज जी को और अमित जी को जाता है, इसका पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक चीज़ मैं बहुत जरूर कहना चाहूँगा
कि भोजपुरी में जब तक नए लोग नहीं आएंगे, जब तक कुछ अच्छी चीज़ें नहीं आएंगी, भोजपुरी का भला नहीं होने वाला है। लेकिन हमारी भोजपुरी में कुछ लोग इसको गंदा भी करने पे लगे हुए हैं। वो चाहते ही नहीं कि नए लोग इसमें आएं। हम लोगों की एंट्री के पहले इतनी चीज़ें हम लोगों के सामने पेश करी गई, अगर मिराज जी और अमित जी ना होते तो शायद ये पिक्चर ही ना बन रही होती। कहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल करके इस पिक्चर का जो लिया है क्लोजअप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस पिक्चर के प्रमोशन। सबसे पहले आप सब लोग जितना हमें देख रहे हैं, सारे दर्शक पुण्य लोग को मैं अरविंद अगला कलू बार बार प्रणाम करता हूँ। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु लोग कि आप लोग हमारे मुहूर्त में आए और इस मुहूर्त का शुभ बनाएं। ये फिल्म है दिल धक धक करे, जिसके डायरेक्टर है मिराज खान जी। बहुत ही अच्छा टाइटल है, भोजपुरी टाइटल है, क्योंकि हमने भी फिल्में किया है, जो जितने भी फिल्में की उसका हिंदी टाइटल रहता है, लेकिन कुछ हमारे मिराज जी जब स्टोरी सुना रहे थे तो बोले कि ये टाइटल है। मैंने बोला कि कुछ अलग रखिए, कुछ अच्छा रखिए, तो बोला कि नहीं नहीं, हम भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, भोजपुरी टाइटल रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हर लड़कियों को देख के लड़के यही बोलते हैं कि दिल धक धक करे। तो ये आम एकदम हमारे दर्शकों का टाइटल है, जो नौजवान युवा वर्ग के दर्शक हैं उनका ये टाइटल है। तो उम्मीद है कि जब ये फिल्म बनेगी और रिलीज होगी तो आप सबको पसंद आएंगे। जी, आपका दिल शूटिंग के समय कैसा धक धक करेगा? अब तो ये अब फिल्म का शूटिंग हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे तो आप सबको अपना एक्सपीरियंस जाहिर करेंगे, शेयर करेंगे कि कैसा धक धक किया। इनका कहने मतलब है किसके लिए धक धक करता है, क्योंकि तनु जी हैं, उनके साथ भी कई फिल्में आप कर चुके हैं, और भी एक्टर साथ कर चुके हैं, किसके लिए आपका दिल धक धक करता है? देखिए, अगर देखा जाए फिल्मों में तो जो हीरोइन रहती है उसके लिए धक धक कर रही है, जैसे इस फिल्म में तनु जी हैं तो इनके लिए धक धक करेगा, और रही बात ऐसे तो ऐसे किसी के लिए नहीं धड़कता है, क्लियर बात है, ऐसे किसी ऑन स्क्रीन धड़कता है, ऑफ स्क्रीन सिंपल लड़का है, एकदम जलेबी की तरह सीधा है, बिल्कुल नॉट इवन सीरियसली। तनु की तारीफ तारीफ कर रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं? नहीं, आप समझ सकते हो मेरे लाइन से। एक लड़की के हमेशा का दिल धड़कता है, कौन है वो? टिक टिक, ये क्या है? अच्छा, टिकटॉक। अच्छा, नाम नहीं सुना, आप बता दो। देखिए, हम आर्टिस्ट हैं, हम हीरो हैं, पब्लिक हमें जब भी देखती है तो ये नहीं देखती है कि कल्लू का दिल ऑफ स्क्रीन किसके लिए धड़कता है, नहीं धड़कता है, वो मायने नहीं रखता है। जब फिल्म पब्लिक पैसा लगा के थिएटर में जाती है तो उसको रियल फील आना चाहिए कि नहीं भाई, ये हीरो हीरोइन के लिए परफॉर्म कर रहे तो धड़कता है कि नहीं, उसे देख के हमारा दिल धड़कना चाहिए। इंडस्ट्री में काफ़ी हीरोइन है, सिर्फ एक हीरोइन ज़्यादा तो दूसरे वायरल हो रहा है भाई। देखिए, टिकटॉक हम बाद में जाने तो इसलिए उसके लिए धड़क रहा है, अब तनु जी के लिए धड़केगा इस फिल्म में, देखिएगा। और रही बात तो वो सब पे मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, अभी बंद होगा मेरा टिकटॉक या लाइव हाँ हमारे देखने से, क्योंकि मेरे साथ हमेशा पिताजी रहता है, जहाँ धड़कता है वहीं पर बोलते हैं स्टॉप। तो रही बात, हम लोग पत्थर के सनम का शूटिंग कर रहे थे, हाँ पत्थर के सनम, तो वहाँ पर जब भी टाइम मिलता था तो देखिए, हम भी लड़का है, हम भी नौजवान है, हमारा भी दिल धड़कता है, तो टाइम पास के लिए वो बना देते थे, संजय भूषण पटियाला जी वो सब। देखिए, श्याम जाती हमको लगता है कि कंटिन्यू 3 साल हो गए, इसके पहले हमारे एल्बम में बहुत सारे राइटर लिखते थे, चाहे फिल्मों में भी, इन कंटिन्यू 3 साल से हमारे साथ रेगुलर ये लिख रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हम क्या गाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में 3-4 राइटर हैं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन आज़ाद भैया हैं, प्यारे लाल कभी जी हैं, मनोज मतलबी जी हैं, श्याम भैया हैं, आर आर पंकज जी, सारे लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन इसका म्यूजिक कर रहे हैं श्याम देहाती जी। तो हमारे साथ ये हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म है, एक स्वर किया तो उन्होंने धड़केला तो ना करे जो, तो बहुत दिनों बाद ये फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर करे, तो सारे लोग मिलके, देखिए सब में एकता होता है, तो हम जानते हैं कि सारे राइटर लोग मिलके और एक धमाका हमारे पब्लिक को देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम चीज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम प्लेइंग अ थ्री शेड इन दिस फिल्म, फर्स्ट इज स्पाई, सेकंड ड्रिंकर और थर्ड धोखेबाज, जिसके लिए इनका दिल धड़केगा वो बेसिकली बहुत ही धोखेबाज निकलेगी। और हाँ, फिल्म की स्टोरीज काफ़ी अच्छी है, मेरा तो स्पाई कैरेक्टर है, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कई दिन आप साथ में कर लीजिए, साथ कर लीजिए।
बहुत अच्छा। मैंने अभी जस्ट इनको यही स्टेटमेंट दिया कि एकदम जलेबी की तरह सीधे हैं, बिल्कुल सेट पर बदमाशी नहीं करते, बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल नॉटीनेस नहीं है, बहुत ही अच्छे आप समझ सकते हैं। जलेबी गोल गोल होता है जी, बिल्कुल वो गोल गोल की तरह ही सीधे हैं। बहुत बहुत ही अच्छे है। नया जी के साथ मैं पहली बार काम करने जा रही हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये सौभाग्य मेरा कि वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, उनके साथ काम करने जा रही हूँ दैट इज फॉर मी। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर जी है जीएम जी, बहुत ही प्यारे हैं, इनसे पहले मिल चुकी हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट करते हैं। अश्लीलता को लेकर बिहार में उत्तर प्रदेश में पिछले दिन कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ आर्टिस्टों के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, तो इससे क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से इससे रोक लगनी चाहिए? देखिए, अश्लीलता अगर आपको हटाना है, रही बात भोजपुरी को तो ऐसे ही बदनाम कर दिए हैं, भोजपुरी में ऐसे अश्लीलता है नहीं, भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा वैसी कोई भाषा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, हम लोग भी शो करते हैं, हमारा रिकॉर्ड है शो करने में, अभी थोड़ा कम कर दिए हैं क्योंकि फिल्मों की वजह से शो नहीं हो पाते हैं। पब्लिक जिसे प्यार करती है उसे पत्थर नहीं मारती है। और रही बात अश्लीलता की, तो अश्लीलता पत्थर मारने से हट सकते हैं, कोई भी चीज़ आराम से हटती है। जैसे इसका भी दो तीन कारण है कि अगर अश्लीलता हटाना है तो अच्छा गीत हम लोग गाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं अश्लील नहीं गाता हूँ या ये नहीं गाता हूँ, पब्लिक को मनोरंजन करने के लिए हम लोग भी कुछ गाते हैं। अगर आपको भी दाल भात ऐसे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे, दाल भात में थोड़ा सा आप सब्जी ढूंढेंगे, तो वैसे ही हम लोग हल्का फुल्का मसालेदार गाना कुछ दिखा देते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है, मैं सारे लोगों से, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है वैसा गाना तो आप लोग उससे सुनिए नहीं, हम हो या पवन भैया हो या खेसारी जी हो या मनोज तिवारी जी हो, चाहे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सारे लोग भजन भी गाते हैं। आप लोग भजन को कभी हाईलाइट नहीं किए कि उन्होंने ये भजन इतना अच्छा गाया, इन्होंने भोले बाबा का ये भजन, अगर हम लोग कुछ हल्का सा मटेरियल गा देते हैं मसालेदार तो आप लोग उसमें लग जाते हैं कि नहीं ये अश्लीलता वो अश्लीलता। जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, सारे लोग से निवेदन है कि आप लोग भी जितने अश्लील बातें उठ रही है कि अश्लीलता की वजह से इसको हाईलाइट ना करें, जितने भजन सॉन्ग हैं, मैंने भी गाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गौ हत्या बंद करो, दहेज के लिए गाया मैंने, वो सब गीतों को आप लोग हाईलाइट कीजिए। माँ के लिए मैंने बहुत सारा प्यारा सॉन्ग गाया, आप लोग उसे हाईलाइट कीजिए। और रही बात कि बिहार सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएं, नहीं तो कलाकार, सही बात है कि आपने बोला कि सेफ नहीं है कलाकार। मैंने भी अभी सहरसा में शो किया, बहुत सारी पब्लिक थी, हमको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं कहीं बीच में ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारे भी गाड़ी का शीशा फूट जाए, लेकिन दर्शक इतना प्यार करते हैं कि बहुत शांति से बहुत प्यार से हम लोग आ गए। कुछ आयोजकों की भी गलती होती है कि वो बुला देते हैं बड़े स्टार, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं करते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन ले लें, हम लोग तो अब जहाँ भी जा रहे हैं तो शुरू से बोलते हैं कि नहीं, अगर आप पुलिस परमिशन लिए तो ही हम लोग आएंगे। अब जहाँ लाखों की भीड़ है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, जैसे हमारे शो में भी होता है, तो हम लोग उसको बाइकाट कर देते हैं, नहीं लाते हैं चर्ची में, चलो भाई होता है, जहाँ पे 10 लोग अच्छे हैं वहाँ पे एक दो लोग बुरे मिल जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अश्लीलता पत्थर फेंकने से ख़त्म नहीं होगी। आप लोग अच्छे गीत सुनिए, गंदे गीत जहाँ आते हैं आप लोग यूट्यूब पर रिपोर्ट कीजिए, उस पर गंदे गंदे कमेंट कीजिए, सुनिए ही नहीं, आप लोग उसे सुने नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं। तो निवेदन बा आप लोगों से कि कलाकार की कोनो भी आप लोग क्षति ना पहुँचाए, लोग कलाकार आप लोग के भगवान मानेला तो भगवान आशीर्वाद देला, भगवान श्राप ना देगी। तो निवेदन बा कि आप लोग ऐसा हरकत करो मत कर लो, भोजपुरी भाषा की इज्जत मान सम्मान बचाए लो। आज भोजपुरी जो ना हिसाब से आगे बढ़ रहा बा, डिजिटल लाइन में आप लोग देख रहे बनी कि जौन भी गाना आज रिलीज होता है आज बॉलीवुड को टक्कर दे रहा है हमारा भोजपुरी, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो सभी से निवेदन है कि भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, भोजपुरी को जो चाहिए उसको मान सम्मान दीजिए, आप लोग ऐसे विरोध कीजिएगा तो हम लोग का क्या होगा। आज मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, आज एक मेरा गाना रिलीज हुआ है वेव कंपनी से, आवारा बोलम कहीं, और मुझे बहुत पसंद आते हैं, तनु जी के लिए मैंने गाया था। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, साथ ना छूटी नेह ना टूटी, जब ले रही देह में परान, है जाए न दे अब ये जान।
पाड़ू दुनिया चहन। अब बताइए इसमें कहाँ असली है, तो आप लोग ये सब गाना सुनिए। कल्लू जी बात करें फिल्म के, मिराज खान जी बहुत ही अच्छे हैं। अभी तो मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मार्केट में सारे लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा काम करते हैं, तो बस अब वो भी हम लोग करने वाले हैं। जनवरी में फिल्म की शूटिंग होने वाली है और देसी चीज़ उन्होंने पकड़ा है, तो हमारे दर्शकों को देसी चीज़ बेहद पसंद आती है। तो उम्मीद है कि हमारी दिल धक धक करेगी, पूरी टीम मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाएगी, इंटरटेनिंग फिल्म बनाएंगी, ताकि दर्शक उसे खूब इंजॉय करेंगे। और प्रोड्यूसर साहब से तो हम भी मिल चुके हैं पहले, खलीलाबाद में हम लोगों ने दो फिल्म का शूटिंग किया, और देखिए खलीलाबाद से इतना नाता हो गया है कि फिर से तीसरी फिल्म भी करने जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक अच्छी फिल्म आप लोग के बीच आएगी। आप क्या नाम फिल्मों की बात की जाए, हमारी फिल्म आने वाली है राज तिलक, जो कि रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, दिलवर, पत्थर के सनम और बब्बर, और भी बहुत सारी फिल्में, कहानी किस्मत की, तो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा। बहुत सारी आने वाली थे, बब्बर जैसे कि इन्होंने कहा, फिर जवानी के रील कोई छूट ना जाए, जीत है, रितेश जी के साथ है, फिर साथ निभाना चाहती है हमारे, तो बहुत सारी लाइन अपने आने वाली फिल्म ये है। दिल धक धक करे, दिल धक धक करे फिल्म के लेकर दर्शकों क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्यारी फिल्म है, फैमिली और फिल्म है, आप इजीली अपने मॉम डैड के साथ, भाई बहन के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों के लिए अभी सब चीज़ें उठी है, पत्थरबाजी ये बाजी गंदी है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए इंजॉय करिए इसके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कब कि आप लोगों के बीच जब भी दिल धक धक कर रिलीज हुई तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आई, काफ़ी देखिए कोई भी हम लोग फिल्म बनाते हैं तो मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संदेश जरूर लेके आते हैं। फिल्म का मकसद ही होता है कि एक संदेश देना, पब्लिक को संदेश देना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा संदेश आप लोग के बीच लाएँ। और बस जैसे आप लोग प्यार आशीर्वाद कल्लू के दे रहे हैं लोग, वैसे हमारा वाली हर फिल्म के दिलों और दिल धक धक करे के मुहूर्त में आज सब लोग उपस्थित बने कर खातिर आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार मेरा, और फिल्म दिन भगत करो तो हमारे सुपर स्टार कलकार श्याम जाती जी हैं, तनु जी हैं, और हमारे प्रोड्यूसर साहब दीन राय जी और सुवर्मा जी हैं, और अमित और सीताराम, ये सारे लोग मिल के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होगा और कितना अलग होती होगी? ये कॉमेडी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम लोग अलग किए हैं, जो भोजपुरी का चल रहा है अभी तो थोड़ा उससे हट के किए हैं, और बाकी तो हमारे हीरो हैं, उसमें चार चांद मुझे लगाएंगे। कल्लू जी के जैसे कि स्टाइलिश स्टार कहे जाते हैं, उनके स्टाइल काफ़ी पब्लिक पसंद करती है, और एक युवा दिलों के धड़कन है, और खास करके एक्शन बहुत अच्छा होता है, उनका एक्शन कितना अलग है? एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और ये स्टाइलिश स्टार हैं तो उसी तरीके का इनका है उसमें। ये हर सिनेमा में कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, जैसे हर डायरेक्टर अलग बनाते हैं, इनका सब्जेक्ट है कॉमेडी वाला, तो इस बार कुछ अलग कॉमेडी अंदाज में आप लोगों को मैं दिखूंगा, और हीरो वो होना चाहिए जो हर करेक्टर में अपने आप को ढाल लें, तो इनका जो स्टोरी, इनका जो कंसेप्ट है, मैं उसमें अपने आप को इनके हिसाब से मैं उसमें एक्टिंग करूंगा, तो उम्मीद है कि इनकी जो मेहनत है, इनके देखिए डायरेक्टर का जो एक होता है सपना होता है कि मेरा हीरो ऐसा करे, जो भी राइटर लोग इतना मेहनत करते हैं, तो हम चाहेंगे कि इनका जो भी सपना है, जो भी इनका सोच है, उस सोच पे हम खरा उठते हैं। मेरा जी बात करें फिल्म के गीत संगीत के काम यहाँ पे गीत अच्छे गीतकार हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गीत संगीत फिल्म में कितना अलग है? हीरो जब एक स्टार सिंगर हैं तो गीत संगीत तो वैसे भी धमाका रहेगा, और श्याम जी का तो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, श्याम जी म्यूजिक कर रहे हैं, श्याम देहाती जी, और श्याम देहाती जी आज़ाद जी हैं, ये सारे लोग मिल के, और हमारे हीरो, ये सारे लोग मिल के बैठ के एक बहुत बड़ा धमाका करना है। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या अगर उन्होंने आपको गॉडफादर कहा कि उनके लिए, एक्चुअली अब उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, उन्होंने जो भी बोला, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मतलब सुलझे हुए इंसान हैं, सोच समझ के जो भी करते हैं, बड़ी समझदारी से सारी चीज़ करते हैं, तो बस अब ज़्यादा उनके लिए। श्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम बधाई देंगे, और इन्होंने अच्छा स्टोरी है फिल्म का,
मेरा जी ने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा। सिचुएशन का और जो भी गाने हैं हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से हमारी टीम है, सब लोग मिल के बनाएंगे। तो प्यारा लाल जी हैं, आज़ाद जी हैं, हम हैं, बाकी काम करेंगे अच्छा। कितने गाने होंगे? टोटल 8 सॉन्ग है। अब थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कम करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले हम लोग का हाथ कलम था, लिखते लिखते दुखाई जाता था हाथ। अब थोड़ा कम कर रहे हैं, 7-8। हाँ वही ना, पहले 10-12 होता था। 3-4 साल पहले हम लोग 14-14 का फिल्म में था। रोबार एक साल जब शुरू हुआ था उसमें 12 को था। तो अभी थोड़ा कम हो गया। अभी अच्छा है क्योंकि पब्लिक को भी स्टोरी भी चाहिए ना, केवल गाने से भी ज़्यादा तीखा भी उन लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होता है। मालदारी पपा गानों में जैसे गानों की देखेंगे कितना मसाला मिलेगा। बराबर मिलेगा। अब ज़्यादा कम ना मिल रहा, सेंसरों बैठल पर काटे काटे ज़्यादा अचार डाल दो ले लूँ। अब पलाई बैठल का सब आजकल का होगा। सेंसर में बिहार के एक आदमी बा, कोई मैडम है आरा की, प्रॉपर भोजपुरी उनका पता बा। जहाँ तक उनको लगा था झर गई ला चाहे गोर गई तो धोल तारी फटाक दे। तो सब चीज़ देख के, लेकिन देखिए फिल्म भी बहुत अच्छा है। फिल्म के गाने हम लोग अभी सब 3-4 साल से बहुत सुधार हुआ है। खुद हम लोग भी सुधर गए हैं, कहने का मतलब भी है। पहले हाँ नहीं, शुरू से थोड़ा फर्क देखिए, उम्र होता है बिगड़ने का। उम्र थोड़ा सा अभी अभी जब 20-21 साल बाद सुधार हो गए हैं। कुमारे थे या वही था। हाँ तो थोड़ा सा बोले कि चलो, लेकिन अच्छा है। लेकिन एल्बम का थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। अभी फिल्म हम लोग का बहुत अच्छा है। एल्बम वाले थोड़ा सा पलगटी फैलाए हैं क्योंकि पत्थर लोग उन्हीं के कारण चल रहा है। तो उनसे भी आग्रह भाई, प्लीज हमी का नाम बदनाम आप लोग मत कीजिए। आप लोग कुछ अच्छा अच्छा सोचिए। एक लोग गलती कर रहे हैं उसमें सारे लोग हम लोग समझा रहे हैं, बदनाम हो जा रहे हैं सारे लोग। और जितने नए लड़के हैं जो गाना गा रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि हम गंदा गाना गा लें और हॉट वीडियो दिखा लें, व्यूज अच्छा ही रहा स्टार बन के। तो इससे हमारी भोजपुरी के मान सम्मान बहुत घट रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि स्टार बने के चक्कर में रुआ लोग इतना गंदा मत कर लोग, ताकि हमने के भी में नाम आ जाता है। तो आप लोग से निवेदन बा कि अच्छा गीत गाएंगे, रास्ता यही लोग दिखा लो ना। देखिए हम रावत हम लोग का, तो हम लोग जब भी गाते हैं हम लोग दो अर्थी गीत गाते हैं। लेकिन आजकल जो गीत आ रहा है एकदम एक अर्थी है, डायरेक्ट मतलब उसी का मीन्स निकल रहा है। हम लोग गाते थे तो लोग सोचते थे चलो ये नहीं तो वो है, लेकिन आजकल जो गाना होता है अब नहीं बता सकत, लेकिन बहुत गंदा गंदा गाना होता है। यूट्यूब खोले में भी शर्म आता है कि कहीं माई बाबू के सामने यूट्यूब खोलने, तो ऐसा थंबली आ जाता है। तो रिक्वेस्ट है यूट्यूब वाला से भी कि आप भी अब सेंसर कॉपी मांगे कि नहीं, हमको सेंसर कॉपी दोगे तो ही तुम्हारा गाना अपलोड करेंगे, नहीं तो कंपनी में स्थित रख दे कि 20 गाना अपलोड हो गए। अब एक एक दिन में सही सही गाना आ जाता है, क्या लोग सुनो क्या लोग देखें। तो गंदे गाने अब बंद होगा ही नहीं, वो ठीक है। नहीं वो ठीक है, देखिए गाने पे हम लोग सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी शिकायत है आप लोग का, क्योंकि आप लोग उल्टा सीधा जो डालते हैं टाइटल, पब्लिक कन्फ्यूज हो जाता है, बोलता है रे मतलब गाड़ी देखे हम गाड़ी नहीं दे सको। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखना पड़ता अंदर कुछ और रहता है बाहर। हाँ ठीक, आप लोग दिखाते कुछ जैसे गाना है जैसे कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। देखिए एक पत्नी का व्यथा है, एक पत्नी का व्यथा है। जैसे होता है कि मस्ती में, जैसे मैं जी शादीशुदा हूँ, तो एक मस्ती होता है मियाँ बीवी में कि मस्ती में बोलता है काजी अब तो 3-4 महीना हो गया तरह से मन हमारे भरल का नहीं लगता। अब तरह से मन भर गया सोचते हैं दूसरा उपाय कर लूँ। तो बोलती है अच्छा 4-5 साल बरोबर था, आज जब उपाय करोगे तुमको उपाय लगा देंगे। तो मस्ती मजाक है, वो बलगेटी को नहीं बोल सकते। मस्ती मजाक वाले गाना हिट होते हैं। हाँ वो क्या है ना, वो जो पी आर ओ टी आर पी वाले हैं, मैं ट्रेंडिंग में चलते हैं वो, इसीलिए दूर कर। हाँ अरे बाप रे, वो तो पूरा मतलब प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत अच्छे हैं, उनसे अभी मिला नहीं, अभी मिलूंगा कल। मेन मुद्दा की बात जो हुआ है नहीं है ना अभी। तो उनसे मैं कल मिलूंगा। और हमारे भाई साहब हैं बहुत अच्छे हैं, इनके साथ पहली फिल्म मैंने किया था लोहा पहलवान, तो गाना लिखा था उसमें। बहुत अच्छे इंसान है बलम रंगबाज, बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने बहुत मतलब 3-4 लोग मेरे फेवरेट उसमें से भी हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और अच्छा फिल्म बनाएंगे और सबको अच्छा लगेगा, पब्लिक को अच्छा लगेगा, यही है। मेरा जी फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग यही कहेंगे कि फिल्म एक अच्छी बन रही है, आप लोग देखिए और देखते आइए। डायरेक्टर जी और कौन कौन फिल्म अभी तो हमारे नसीब आने वाली है, 9mm पिस्टल है, बलम रंगबाज है, फिर हमारी ये दिल धक धक करे रंगबाज।
धन्यवाद कहूँगा और ख़ास करके मैं प्रोड्यूसर वी एम राय जी जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार का भार मुझे दिया और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि ऐसा विश्वास हम पे जमा। लो भैया को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया और शर्मा जी और वी एम राय जी और साथ में मेरे जितने प्रोड्यूसर लोग तो मैं बहुत धन्यवाद दूँगा मुझे इसी लायक समझा और एक गोरखपुर की धरती से उठा करके बॉम्बे की धरती पे आज इतना बड़ा कारोबार मुझे सौंपा गया और मैं चाहूँगा पूरी ईमानदारी और लगन से इस कारोबार को मैं पूरा करूँ और फिल्म को अच्छे से अच्छा मेकिंग टेकिंग दे करके आप लोगों के सामने परोसूँ। फिल्म के हीरो कल्लू जी हैं और मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, उसके पहले भी साथ में फिल्म की, दुर्भाग्यवश हम साथ में काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कभी कभी इंसान की कुछ छोटे छोटे गलत लोगों के साथ काम करने से इफेक्ट मार्केट में गलत पड़ जाता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है और सुधरेगी उसी। मैं यही चाहूँगा बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। और कल्लू जी बहुत बड़े हमारे हम इनके बहुत बड़े फैन हैं और हमने इनसे एक वादा भी किया था, भैया हम एक बार साथ में काम जरूर करेंगे फिर से। आज वो दिन है कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और एक बात कहना चाहूँगा सारी मीडिया से कि ज़िंदगी में अगर सच्चाई में आदमी टिका हुआ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसको एक ना एक दिन वो पहचान मिलती है। आज गोरखपुर से बॉम्बे की इतनी बड़ी मीडिया आप लोग के साथ, कल्लू भैया के साथ मैं बैठा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरी वो ईमानदारी और सच्चाई जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। तनुश्री जी हीरोइन है, कल्लू जी तनुश्री जी के जोड़ी एक बार फिर से आपकी फिल्म के माध्यम से आएगी, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? तनु जी एक बहुत अच्छी एक्टर हैं मेरी फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्टर है, मेरी फिल्म को एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत अच्छा करेक्टर है इनका और मैं चाहूँगा बखूबी निभाएंगी और हमारे दर्शकों को हंसाएंगी भी और कल्लू भैया अपने एक्टिंग के बौछार इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। और आपका साथ मिला है इनको, देखिए दिल धक धक करके जो पूरी टीम है लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो देखिए मेहनत का फल मीठा ही होता है, तो सारे लोग मेहनत करके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को एक अच्छी और एक मनोरंजन फिल्म आप सबके बीच लाऊं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि आप लोग जब भी जाएँ थिएटर में अपने मेहनत का पैसा लगा कर कल्लू की फिल्म देखने दिल धक धक करें तो आप लोगों का वो पैसा वसूल हो जाए और आप लोग बाहर निकल के बोले कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म लगी दिल धक धक करें, ताकि आगे हम लोग जो भी मूवी बनाए हमारे प्रोड्यूसर साहब लोग या डायरेक्टर साहब लोग तो आप लोग रिपीट आप लोग देखने जाएंगे, ये विश्वास देते हैं। सर चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो मुहूर्त हुआ पूरी टीम आपके साथ रही, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुहूर्त का पूरा श्रेय मैं अमित जी और मेराज जी को दूंगा। नंबर दूसरी चीज़ ये है कि अभी जितनी भी बातें हुई उसका सारांश मैं ये